हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया और इस स्मारक परियोजना को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी द्वारा वित्त पोषित किया गया। किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया, मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, अटल स्मृति न्यास सोसाइटी। तो ये आप नोट कर लीजिए, सोसाइटी, ठीक है फ्रेंड्स। इस स्मारक परियोजना को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी द्वारा वित्त पोषित किया और सदैव अटल स्मारक का प्रबंधन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता वाले न्यास द्वारा किया जाएगा। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर दिल्ली है। तो दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। नई दिल्ली में इंडिया डे का उद्घाटन किया गया, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक ने दिल्ली में प्रहरी योजना शुरू की, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने दिल्ली में सोल्जराथन मैराथन को ध्वजांकित किया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में निजी कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री वितरण निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 9वीं इंडिया आरओके संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 15वां ग्लोबल एसएमई बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 6ठे युवा नाट्य समारोह के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया, तो ये हमने यही क्वेश्चन क्विज में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको अपडेट कर दिया है, जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको वीडियो में अपडेट करता जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे आने वाले में दिनों में डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ हैं, ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया, उड़ीसा में कहाँ पर, भुवनेश्वर में, तो ये भी आपको याद रखना है। 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया और यह कार्यक्रम बच्चों को उनकी रचनात्मकता और विज्ञान नवाचार में क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ये याद रखना आपको। इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों को उनकी रचनात्मकता और विज्ञान नवाचार में
क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और इस आयोजन को नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का समर्थन प्राप्त है, एनसीएसटीसी। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट है, उड़ीसा में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय तट रक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने राज्य में किसानों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में तीसरे द्विजिंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में चिमांग जिले में, ये भी आप नोट कर लीजिए, असम में कहाँ पर? चिमांग जिले में। असम में चिमांग जिले में एई नदी के किनारे, कौन सी नदी? एई, एई नदी के किनारे पर तीसरे द्विजिंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया, और यह महोत्सव असम के पर्यटन विभाग, असम पर्यटन विकास निगम और बोडोलैंड पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, और यह महोत्सव बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों कोकराझार, चिरांग, बस्का और उदलगुरी के समकालीन आकर्षणों पर केंद्रित होगा। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और हम देख लेते हैं, असम में चिमांग जिले में एई नदी के किनारे पर तीसरे द्विजिंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया, और यह महोत्सव असम के पर्यटन विभाग, असम पर्यटन विकास निगम और बोडोलैंड पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, और यह महोत्सव बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों कोकराझार, बस्का, चिरांग और उदलगुरी के समकालीन आकर्षणों पर केंद्रित होगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर असम है। तो असम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। डीओएनईआर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोरहाट असम में प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र के नए विज्ञान केंद्र की नींव रखी। नेक्स्ट है, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दूसरा संस्करण असम में शुरू हुआ, तो ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, असम ने किसानों के कल्याण के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की, ये भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया जाएगा, और यही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, असम ने चाह बागीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेले की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। अब फ्रेंड्स हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने सफलतापूर्वक अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का अंतिम परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सफलतापूर्वक अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का अंतिम परीक्षण किया, और अंतर महाद्वीपीय अवानगार्ड प्रणाली 2019 से उपयोग के लिए तैयार होगी। कब से? 2019 से, तो ये आपको याद रखना है 2019 से, और यह ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक गति से उड़ान भर सकती है। कितने गुना अधिक? 20 गुना अधिक ध्वनि की गति से, तो ये आपको याद रखना है। यह ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक गति से उड़ान भर सकती है और ऊपर नीचे की जा सकती है, और इसे
2000 डिग्री सेल्सियस तक, 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना करने के लिए नई मिश्रित सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने सफलतापूर्वक अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का अंतिम परीक्षण किया और अंतर्महाद्वीपीय अवानगार्ड प्रणाली 2019 से उपयोग के लिए तैयार होगी, और यह ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक गति से उड़ान भर सकती है और ऊपर नीचे की जा सकती है, और इसे 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना करने के लिए नई मिश्रित सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर रूस है, तो रूस का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल, और रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। तो इतने पॉइंट आपको रूस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे औपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को औपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और उन्हें जुलाई में पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड के साथ ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में नामित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और रिकी पोंटिंग औपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 25वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। कौन से? 25वें, तो ये भी आपको याद रखना है, 25वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले, और वह 3 बार के ICC वर्ल्ड विश्व कप विजेता हैं, जिसमें से 2 बार वो टीम के कप्तान रहे, तो ये भी आपको याद रखना है। रिकी पोंटिंग 3 बार के ICC क्रिकेट विश्व कप विजेता हैं और जिनमें से वह 2 बार टीम के कप्तान रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को औपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और उन्हें जुलाई 2018 में पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के साथ ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में नामित किया गया था, और रिकी पोंटिंग औपचारिक रूप से ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 25वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। वह 3 बार ICC क्रिकेट विश्व कप विजेता हैं और जिनमें से वह 2 बार टीम के कप्तान रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने महत्वाकांक्षी जिला परियोजना की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिला परियोजना की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की, और यह रैंकिंग 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 के बीच जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को मापेगी। कब से कब तक? 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 के बीच, 31 अक्टूबर 2018 के बीच जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को मापेगी और जिलों को स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा आदि जैसे मापदंडों पर रैंक किया गया है, और महत्वाकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। जून 2018 में पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिला परियोजना की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की है और यह रैंकिंग 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 के बीच जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को मापेगी और इसमें जिलों को स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा आदि जैसे मापदंडों पर रैंक किया गया है, और महत्वाकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर नीति आयोग है। तो नीति आयोग से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। नीति आयोग ने AI फॉर ऑल ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च की। नेक्स्ट है, नीति आयोग विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2018 के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2018 जारी की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम नीति आयोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की जो स्थापना की गई वो की गई है 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। तो इतने पॉइंट आपको नीति आयोग से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के आदेश जारी किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के आदेश जारी किए और हैदराबाद में स्थित उच्च न्यायालय अब तेलंगाना का उच्च न्यायालय बन जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना हैदराबाद में स्थित उच्च न्यायालय अब तेलंगाना का उच्च न्यायालय बन जाएगा और आंध्र प्रदेश के लिए नए उच्च न्यायालय के निर्माण के साथ देश में अब 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। आंध्र प्रदेश के लिए नए उच्च न्यायालय के निर्माण के साथ देश में अब 25 उच्च न्यायालय हैं और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती से कार्य करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से कार्य करेगा? अमरावती से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बुधार पोर्टल लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है, फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन 2019 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, AIIB के बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में जल स्वच्छता परियोजना के लिए $400 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और रूसी संघ नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास इंद्र नौसेना 2018 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में क्रॉस ब्रो 18 कोड नाम वाले अभ्यास का आयोजन किया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव रहित हवाई वाहनों के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र इकाई हैदराबाद में खोली गई है। नेक्स्ट हैदराबाद में ऑपरेशनल ओशनोग्राफी कॉम्प्लेक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स, हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती और आंध्र प्रदेश के जो CM है वो है N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों द्वारा भारत में खर्च राशि पर एक मासिक सीमा लगाई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल ने अपने नागरिकों द्वारा भारत में खर्च राशि पर एक मासिक सीमा लगाई। नेपाली नागरिक भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते समय हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे। कितने? 1 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे और यह नीति नेपाली बैंकों के प्रीपेड क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर लागू है और नेपाल के चालू खाते के घाटे से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं, नेपाल ने अपने नागरिकों द्वारा भारत में खर्च राशि पर एक मासिक सीमा लगाई और नेपाली नागरिक भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते समय हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे और यह नीति नेपाली बैंकों के प्रीपेड क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर लागू है और नेपाल के चालू खाते के घाटे से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर नेपाल है। तो नेपाल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम देख लेते हैं। काठमांडू में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेपाल ने 2000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये के भारतीय मुद्रा नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, हम नेपाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल राजीव सचदेवा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एयर मार्शल राजीव सचदेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल राजीव सचदेवा ने एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है और इससे पहले राजीव सचदेवा तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी थे और वह एक वायुसेना परीक्षक थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवहन क्वाड्रन, एक परिवहन बेस और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की कमान भी संभाली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सीधे सीधे आपको ये याद रखना है कि एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एयर मार्शल राजीव सचदेवा। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले वह
त्रिवेंद्रपुरम में दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी थे और वह एक वायु सेना परीक्षक थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवहन स्क्वाड्रन, एक परिवहन बेस और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की कमान भी संभाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ट्रेन 18 का पहला परीक्षण बरेली और किस रेलवे खंड पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद। मुरादाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन 18 का पहला परीक्षण बरेली मुरादाबाद रेलवे खंड पर किया गया। कहाँ पर किया गया? बरेली मुरादाबाद खंड पर किया गया है। और ट्रेन 18 अब आधिकारिक रूप से भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। इसने परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालन किया। तो ये आपको याद रखना है, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रेन का पहला परीक्षण बरेली मुरादाबाद रेलवे खंड पर किया गया। और ट्रेन 18 भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन रही ट्रेन है और इसे चेन्नई स्थित इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है, ICF द्वारा बनाया गया है चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है, चेन्नई स्थित इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुरादाबाद है। तो मुरादाबाद कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जापानी सरकार की सहायता से राज्य में खाद्य मूल्य श्रृंखला विकसित करेगी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल मथुरा में खोला गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत रूस संयुक्त अभ्यास इंदिरा 2018 झांसी में आयोजित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास सीन्यू मैत्री 18 शुरू किया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपये की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो ये हमने हाल ही में डिस्कस किया था तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। तो इतने पॉइंट आपको यूपी से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन बीरेन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को याद रखेंगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें पूर्वोत्तर राज्य में शासन में परिवर्तन लाने के लिए उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार के चयन निर्णायक मंडल का नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुधा मिश्रा ने किया था। तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं, तो एक बार और हम देख लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें पूर्वोत्तर राज्य में शासन में परिवर्तन लाने के लिए उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार के चयन निर्णायक मंडल का नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुधा मिश्रा ने किया था। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं आज का क्विज का क्वेश्चन। क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।